नंदा देवी पीक फतह करने के दौरान लापता हुए 8 विदेशी पर्वतारोहियों में से 5 के शव चोटी पर दिखाई देने के बाद अब जिला प्रशासन शवों को रेस्क्यू करने के लिए रणनीति बनाने में जुट गया है। जिला प्रशासन ने वायुसेना, ITBP और सेना के साथ मीटिंग कर रेस्क्यू के संबंध में चर्चा की। जिला अधिकारी का कहना है कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर रेस्क्यू अभियान चलाया जाना है, इसीलिए रेस्क्यू दल की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखते हुए योजना बनाई जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी पर्वतारोहियों के देशों के दूतावास को भी इस संबंध में सूचना दे दी। हालांकि जानकारों के मुताबिक 5000 मीटर की ऊंचाई पर शवों को रेस्क्यू करने का काम आसान नहीं होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार अवलांच का खतरा बना रहता है। ऐसे में ठोस रणनीति बनाकर ही इस रेस्क्यू कार्य को अंजाम दिया जा सकता है, साथ ही इसके लिए विशेषज्ञों की भी मदद लेनी पड़ेगी। आपको बता दें कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर पिछले 2 दिन से लगातार लापता पर्वतारोहियों की खोजबीन का काम कर रहे हैं। इस दौरान मंगलवार को हवाई सर्वेक्षण में नंदा देवी ईस्ट में चोटी पर 5 शव दिखाई दिए थे। शव देखे जाने के बाद अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन शवों को रेस्क्यू करना है। ये जिस ऊंचाई पर ये हादसा हुआ है, वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ होने की वजह से, प्लस जो लोकेशन है वो पूरा एवलांच प्रोन एरिया है। एवलांच पहाड़ में सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा करती है। अगर रेस्क्यू टीम वहाँ जाती भी है तो उनको ABC से पूरा रूट ओपन करते हुए जाना पड़ता है, और 5000 मीटर से ऊपर की जो कंडीशंस होती है वहाँ पर रूट ओपन करना अपने आप में बहुत बड़ा कठिनाई भरा काम होता है। नंदा देवी ईस्ट एक्सपीडिशन पे जो 8 पर्वतारोही जो मिसिंग हो गए थे, उनमें से 5 व्यक्तियों के शव उसी एवलांच में दिखाई दे रहे हैं, जो कि 5000 मीटर पर स्थित है। उसको देखते हुए अभी संबंधित जो हमारी एजेंसी एयरफोर्स के जो अधिकारीगण थे, ITBP के जो नोडल ऑफिसर्स थे, इसके अलावा पुलिस विभाग के जो अधिकारीगण थे एवं SDRF के जो नोडल थे, इनसे वार्ता किया गया, उनसे अनुरोध किया गया कि जो भी विशेष माउंटेनियरिंग दल इस कार्य को करने में सक्षम है उनकी सूची हमको प्रोवाइड करें, और ताकि हम उनके साथ बैठकर कार्य योजना बनाए कि किस तरीके से इस दल के माध्यम से उन शवों को वहां से निकाला जाए। संवाद 360 के लिए पिथौरागढ़ से नीरज कुमार की रिपोर्ट।